फॉलोइंग गाइस, दिस इज समर फ्रॉम यंजूस। और मैंने ये पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो पहले अपलोड की थी, तो कई बच्चों ने आगे आपका या जो भी कुछ क्वेश्चंस आए थे कि अब ये रमज़ान चल रहा है तो इसमें टाइम टेबल कैसे मैनेज करें ना। तो बेसिकली पेपर आपके जुलाई के अंदर हैं, फर्स्ट ईयर के, ठीक है, और सेकेंड ईयर के भी मैट्रिक के पहले होंगे, और जैसे कि हर साल होता है आई थिंक के टेंथ के पहले होते हैं और इसी तरह सेकंड ईयर के पहले होते हैं, नाइन्थ के बाद में होते हैं और फर्स्ट ईयर के बाद में होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमने टाइम मैनेज कैसे करना, कॉज रमदान है, ठीक है, और मसला रोजे भी रखे होंगे बहुत से बच्चे, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप सबसे पहले तो ये देखें ना कि आपने रोज़ा रख के पढ़ना कैसे है। ठीक है, बच्चों को डर लग रहा था कि यार रोज़ा रख के पढ़ेंगे तो पता नहीं प्यास ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है, तो हर बच्चे को ज़ाहिर बात ऐसा कुछ डर तो होगा शायद, बहरहाल शायद किसी को ना भी हो तो चलो अच्छी बात है। तो अच्छा, तो अब इसके अंदर मैनेज कैसे करना है टाइम को, इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो आप अपना ये रूटीन रख लें कि आपने रमदान में सोना कब है, ठीक है। मेरा आपको मशा ये होगा कि आप सहरी के बाद सोएं, सहरी से पहले आप जागते रहें ना, ठीक है। आप ईशा के बाद अगर एक किस्म का जागते रहेंगे तो ईशा के बाद आपको क्या, अगर सपोज 10 बजे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 10 से 11, 12, 1, 2, 3, 3 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 5 घंटे ही मिलते हैं, ठीक है, 5 घंटे मसला बहुत होते हैं। चलिए अगर आप 4 घंटे भी ये लगाते हैं, 4 घंटे तो आपके पास है ना, 10 से 2 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं, बाद में फिर आप रेस्ट करते हैं, ठीक है, तो 4 घंटे आपके पास ये हो गए। उसके बाद नमाज पढ़ के सुबह निकलने, नमाज पढ़ने के बाद फिर एक घंटा अगर पढ़ना चाहें पढ़ें, कुरान पाक वगैरह की तिलावत करें, कुरान पाक सूरतें वगैरह की तिलावत करें, ठीक है। तो उसके बाद आप तकरीबन सुबह निकलने के बाद अगर सोते हैं, ठीक है, और तकरीबन 6 घंटे अगर आप पूरे करते हैं अपने, ठीक है, हम 12 बजे चले लगा लेते हैं, 12 बजे तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक हो गया। 12 बजे के बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 12 से 1 बजे तक आप पढ़ने, ठीक है, एक घंटा आपका ये हो गया, कितने हो गए, 5 घंटे हो गए ना आपके, 4 घंटे रात के, एक घंटा ये वाला हो गया, ठीक है। तो अगर 5 घंटे ये हो गए आपके, तो अब नमाज के बाद हो कि नमाज के बाद खाना तो आपने खाना नहीं, ठीक है, खाने का टाइम तो आप बच गया, तो नमाज जोहर की नमाज के बाद आप फिर एक घंटा बैठे, ठीक है, 2 घंटे बल्कि बैठे, 3 बजे से 5 बजे तक आप पढ़ें, ठीक हो गया। आपका रेस्ट भी देखें इसमें आएगा ना, तो 5 और 2 7 घंटे आपके ये हो गए, ठीक हो गया। 5 बजे के बाद फिर आप रेस्ट करें, अपना नमाज वगैरह पढ़ें, ठीक है, और रोज़ा खोलें। रोज़ा खोलने के बाद भी आप एक घंटा अगर पढ़ें तो आपका 8 घंटे तकरीबन ये बनते हैं, और माशाल्लाह ये बहुत टाइम है, बहुत टाइम है FSC की तैयारी करने के लिए ना इन दिनों, ठीक है। 8 घंटे अगर आप कहें तो आप इसमें अगर 4 सब्जेक्ट एक दिन पढ़ें, 2 सब्जेक्ट एक दिन पढ़ें, या 3 एक दिन पढ़ें, 3 जो भी आपने अपना मैनेज करना है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और खासकर वो बच्चे के जो समझ है कि जी हमारी तैयारी नहीं है ऐसे ही, तो कुछ नहीं है, इजीली वो पास हो सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। आप इस टाइम टेबल को अगर इंशाल्लाह फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह इजीली इस चीज़ को, जो आपकी टेंशन है, इसे आप ओवरकम कर जाएंगे, कोई इतना इशू नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है, इजीली आप इंशाल्लाह ये मैनेज कर पाएंगे। अच्छा, तो ये था FSC के हवाले से, मैट्रिक के हवाले से। मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स भी अगर ये करें तो माशाल्लाह उनके लिए भी ये ना बहुत ज़्यादा एक बड़ा जो उनकी टेंशन है ना वो हल हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। फिलहाल आपको जो आता है आपने उसे लेके रिवाइज करना ना, और जो जिन बच्चों ने सपोज नहीं पढ़ा ना पूरा साल, वो आप ये रख लें कि उन्होंने जो भी करना है उसे अच्छी तरह करना ना, ठीक है। सपोज चैप्टर 1, 2, 3, 4 हर बुक के स्टार्ट वाले वो करते हैं, तो उन्होंने उसे ही अच्छी तरह करना आगे बाद में जाए, ठीक है, ताकि जो आए पेपर में वो तो कम अज़ कम वो लिख सके ना, ठीक हो गया। और ये टाइम टेबल का एक था, मैं कहा था कि मैं इसी लेट इंशाल्लाह वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो ये मैंने अपलोड इंशाल्लाह कर दूंगा। तो टाइम टेबल का आपका ये मसला हल हो जाना चाहिए ना आप, ठीक है, कि मैंने जैसे बताया, अगर आप रात को सोते हैं तो फिर आप दिन को पढ़ लें, लेकिन मैं दिन को इसे नहीं आपको ज़्यादा पढ़ने का कह रहा, रोज़े हैं, ठीक है, तो रोज़ा लग सकता है, एक किस्म का प्यास वगैरह लग सकती है ज़्यादा, तो ऊपर से गर्मियाँ भी हैं, ठीक है, अभी तो मौसम अच्छा माशाल्लाह चल रहा है, तो आगे पता नहीं क्या सूरत हाल रहती है, तो ऐसे इंशाल्लाह आप इजीली मैनेज कर पाएंगे, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक हो गया। तो बाकी यार इसके बाद मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, एक मुझे सवाल आया था कि NMD कैट के अंदर जो ये सर्कल फिल करने ये कैसे करने हैं, ठीक है, दूसरा भी मैं ये एक उर्दू प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी आपकी वीडियो रहती है इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो मैंने इंग्लिश प्रेजेंटेशन वगैरह या जो साइंस सब्जेक्ट्स प्रेजेंटेशन के हवाले से वीडियो अपलोड की थी वो आप लाजमी इंशाल्लाह देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसमें फ़ायदा होगा, मैट्रिक वाले हों या FSC वाले हों, ठीक है, इसे फॉलो करें इंशाल्लाह, कुछ भी वो टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ जो मेन बात होती है कि चैप्टर 1 सपोज बायो का, ठीक है, वो याद करें आप, और
ऐसे लग गया कि जैसे याद नहीं होना, आप उसी के ऊपर टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं, एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे उसी के ऊपर लगाई जा रही है, ठीक है। एक दफ़ा उसे पढ़ लें अच्छी तरह, आपको वो बहुत अच्छी तरह आता है, अपने दिमाग में बात बिठा लें, जब पेपर इंशाल्लाह आएगा तो आप अच्छी तरह लिख लेंगे। कहने का मकसद मेरा ये है कि आप जो चीज़ रिवाइज एक दफ़ा अच्छी तरह कर लेते हैं उसे बार बार रिवाइज ना करें, बल्कि वो चीज़ आप याद करें, खास करके ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए कि जो इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहते हैं, वो उन चीज़ों की तरफ जाएँ कि जो उन्हें नहीं आती अभी ना, वो अपनी वो कमी डेफिशिएंसी को पूरा करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसे आप अपने दोस्तों स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें कि जो FSC के अंदर या मैट्रिक के अंदर पीए होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका कोई छोटा बहन भाई है तो आप उसे ये वीडियो दिखा सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसकी काफ़ी टेंशन दूर हो जाएगी, तो कोई इतना इशू नहीं है। तो बाकी कोविड है, अपना प्रिकॉशंस यार लाजमी यूज़ करें, ठीक है। बहुत से लोगों को कोविड अप हो गया है, ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा लाजमी, मेरा भी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो MBBS फर्स्ट ईयर का, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।